दोस्तों आजकल के ज़माने के लिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत बेस्ट है, खास करके वो लोगों के लिए जो बहुत ही छोटे बजट में अपना बिजनेस लोकल और एक्सपोर्ट लेवल में शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है ई कॉमर्स। अपने छोटे बजट में अपनी छोटी प्रोडक्ट्स छोटी क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं, राइट, और अच्छा अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्रीज़ के कुछ कॉन्स भी हैं, राइट, तो हम इस इंडस्ट्री को बेहतर समझ पाए और आगे बढ़ पाए, इसलिए मैं यहाँ पर आपके साथ केस डिस्कस कर रहा हूँ और आगे कैसे बढ़ना चाहिए वो भी बताऊँगा। तो कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, राइट, जिसके मैं आप पर एग्जांपल देना चाहूँगा जो ई कॉमर्स में काम कर, उसमें एक स्टूडेंट थे जिन्होंने उनका एक प्रोडक्ट बेबी क्रेडल एक्सपोर्ट करना शुरू किया। बेबी क्रेडल जब उन्होंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रखा तो शुरुआत में उनको सेल्स तो मिला, राइट, लेकिन उन्होंने थोड़े टाइम पे काम बंद कर दिया। मैंने कहा कि भाई आपने क्यों ये ई कॉमर्स पे काम करना बंद कर दिया, आपका बेबी क्रेडल तो शिपमेंट हो रहा था। उन्होंने कहा कि हाँ सर, मेरा शिपमेंट हो रहा था लेकिन जितना मैंने काम किया उसमें मुझे लॉस आया। मैंने कहा ये लॉस आपको कैसे आया? तो आपको दोस्तों पता होगा कि जो बड़ी लेवल की ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं उसमें रिटर्न पॉलिसी रहती है, राइट, ये जो बड़े बड़े सोशल प्लेटफॉर्म्स है जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ से आप अगर प्रोडक्ट मंगवाते हो, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं है, राइट, तो यू कैन ईजीली रिटर्न। अब यहाँ पर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सेल करता है उसके लिए दिक्कत क्या है कि जो रिटर्न की पॉलिसी होती है उसके अंतर्गत जो रिटर्न चार्जेस होते हैं वो सेलर के अकाउंट में से काटे जाते हैं। यानी कि बड़े प्लेटफॉर्म्स तो रिटर्न कर देंगे उनके कस्टमर को पैसा, लेकिन रिटर्न का चार्ज भी आपके ऊपर आएगा, राइट, जो आपको अकाउंट में से कट जाएगा। ये जो बड़ी प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको तुरंत पैसे नहीं देती, कस्टमर उनको तुरंत पैसे देते हैं। मे बी कस्टमर डेबिट क्रेडिट कार्ड से तुरंत पैसे दे दे या कैश ऑन डिलीवरी से कस्टमर ऑर्डर करे, लेकिन ये बड़े प्लेटफॉर्म्स आपको पैसा कुछ दिन बाद देते हैं। कोई एक वीक बाद देता है, कोई महीने बाद देता है, कोई 15 दिन बाद देता है, लेकिन कस्टमर जो है वो उस टाइम फ्रेम पे प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है। और रिटर्न जब कर देता है तो प्रोडक्ट आपको मिल जाती है, वो कभी कभी टूटी फूटी भी आती है। तो उनको जो बेबी क्रेडल्स आ रहे थे वो टूटे फूटे कंडीशन में आ रहे थे, अच्छे कंडीशन में नहीं आ रहे थे, और उनका लॉजिस्टिक्स एक्सपेंस बहुत बढ़ जा रहा था, एक तो भेजने का और रिटर्न का भी, राइट, और इसके कारण उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। और लोगों के साथ हुआ है जिनके बड़े टर्नओवर्स थे, एक जन मेरे स्टूडेंट थे वो सेलिंग दी सर्जिकल प्रोडक्ट्स, राइट, इनटू द बिग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उनका टर्नओवर 25 लाख 50 लाख तक पहुंच जाता था, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? वो ऐसी सब पॉलिसीज़ के कारण, राइट। सो ई कॉमर्स इज नॉट लाइक दैट कि आप बड़े प्लेटफॉर्म पे ही सेल करो, राइट, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ई कॉमर्स में आप अगर अपना खुद की आइडेंटिटी से आगे बढ़ते हो और प्रोडक्ट को सेल करते हो, चाहे आप अपनी ब्रांड नेम हो, अपना वेबसाइट हो, राइट, तो आपको और सक्सेस मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर मैं आपको मेनली डिफरेंस बताना चाहूँगा, द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड वेबसाइट। अगर आप अपना छोटा प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट से सेल करते हो तो आपके सक्सेस के चांस ज़्यादा है, क्योंकि जो बड़ी लेवल की प्लेटफॉर्म्स होती है वहाँ पर आपको प्रमोट नहीं किया जाता, खुद प्लेटफॉर्म ही प्रमोट होते हैं, राइट। पर्सनल वेबसाइट्स पे आपको अपना लॉन्ग टर्म में एड बजट कम होगा, शुरुआत में तो ज़्यादा होगा क्योंकि आपकी पर्सनल वेबसाइट में प्रमोट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म बेस्ड वेबसाइट में लॉन्ग टर्म में आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म बेस्ड वेबसाइट में आप तक सक्सेसफुल हो जब तक आपको लिस्टिंग मिले। कोई सर्च करता है, आप प्लेटफॉर्म वेबसाइट में ऊपर आते हो तो आपका काम चलेगा। अगर वो नहीं आ पा रहा है, उसमें और भी कंपटीशन बढ़ रही है डे बाय डे, जैसे कंपटीशन बढ़ रही है, राइट, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपको बहुत एडवर्टीजमेंट में खर्चा करना पड़ेगा,
और मैंने देखे हैं जो लोग सक्सेसफुली भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं, अब मानोगे उसका प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये है, लेकिन एडवर्टीजमेंट फेसबुक में चलाते 1,00,000 रुपये का, राइट? 50,000 से 1,00,000 रुपये का तो मिनिमम कोई भी लोग एडवर्टीजमेंट चला रहा है, मेजोरिटी, राइट? भले प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट उन्होंने प्रोडक्ट का 10-20,000 रुपये किया है, प्लेटफॉर्म में फ्री में रखा है हर जगह पे, लेकिन लेगा कौन? ये मार्केटिंग करने के लिए पेड सोशल मीडिया एड जो रन कर रहे हैं उसका इतना हाई कॉस्ट दे रहे हैं। और उसमें कुछ लोग भी हैं कि 1,00,000 का एड रन कराते हैं, उनको 2,00,000 का सेल्स भी मिल रहा है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 1,00,000 का एडवर्टीजमेंट में पैसा डालते हैं, उसमें से उनको 50-60,000 का ही सेल मिल रहा है, और फिर भी वो लॉस में अभी चला रहे हैं, क्योंकि उनका इस बहाने ब्रांडिंग तो हो रहा है, उनकी प्रोडक्ट तो सेल हो रही है, राइट? तो एडवर्टीज जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में लगातार कर रहे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, ये बात को मान रहे होंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो मार्केटिंग में होता है, राइट? हाउएवर कुछ लोग ऐसे होंगे जो फ्री में भी मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होंगे, लेकिन मेजोरिटी इस कॉम्पिटिशन के ज़माने में आपको मार्केटिंग में, सोशल मीडिया एड्स में, मार्केटिंग में बहुत ही खर्चा है, राइट? बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है ये, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। आने वाले समय में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें बहुत कम से कम बजट में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये भी मैं इसके बारे में भी कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस डालूंगा, दूंगा आपको। पर्सनल वेबसाइट में यू कैन डू द सेम डे डिलीवरी, खास करके आप अपने आसपास के लोकेशन को टारगेट करते हो, क्योंकि गूगल मैप आपने डाला हुआ है तो गूगल मैप नियर लोकेशन को सर्च करता है तो बताता है आपका बिजनेस। तो यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड द सेम डे डिलीवरी, जबकि आप प्लेटफॉर्म बेस्ड वेबसाइट में होगा तो आप उनकी पॉलिसी में जाओगे तो नॉर्मली डिलीवरी आफ्टर वन डे, हाउएवर कुछ में एक दिन है, लेकिन फिर भी एक दो दिन लग जाता है। देन योर वेबसाइट कुड बी एसईओ फ्रेंडली फॉर लोकल लिस्टिंग बिकॉज आपका मैप इंटीग्रेटेड है, यहाँ पर आपका लोकली लेस रिलेवेंट हो जाता है। ईजी रिटर्न्स पर्सनल वेबसाइट में पॉसिबल है, हाउएवर रिटर्न्स आर अंडर योर कंट्रोल, ठीक है? और यहाँ पर डिफिकल्ट पॉलिसीज ऑफ रिटर्निंग फॉर दी सप्लायर्स, राइट? अगर आप सप्लायर है तो आपकी पॉलिसी यहाँ पर डिफिकल्ट है। खुद की वेबसाइट से प्रोडक्ट सेल करोगे ना तो आप एक ब्रांड होंगे, राइट? यू आर अ ब्रांड, आपकी प्रोडक्ट्स अ ब्रांड है, आपकी वेबसाइट एक ब्रांड है, जबकि यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म से ब्रांड रहते हैं बड़े बड़े। जैसे मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ अमेजोन फ्लिपकार्ट को या उसको, लेकिन आप देखो कि एट द एंड ऑफ द डे वो खुद को ही प्रमोट हर जगह करते हैं, राइट? जबकि यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट पर प्रमोट आप जब करोगे, देन पर्सनल वेबसाइट में एक्सपेंडिचर आपका लेस होता है, राइट? लॉन्ग टर्म में, जबकि प्लेटफॉर्म बेस पे आपका विजिबिलिटी हाई एक्सपेंस हो जाता है। यहां पर आपको कमीशन पे नहीं करना, आपकी सोशल नेटवर्क से, आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे, बाय कर रहे लोग, तो कमीशन आपकी देने की जरूरत नहीं, आपका प्रॉफिट ही इतना अच्छा होगा। जबकि प्लेटफॉर्म बेस्ड वेबसाइट में 20% से ज्यादा आमतौर पर कमीशन लग जाता है, राइट? सो आपका मार्जिन्स जो है इतना कट हो जाएगा। यहाँ पर आप मार्केटिंग कस्टमाइज्ड वे से कर सकते हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट आप खुद प्रमोट कर सकते हैं इनटू द गूगल एड्स, फेसबुक एड, ट्विटर एड, बहुत सारे कैंपेन्स है रन कर सकते हैं। जबकि आप जो अमेजोन की लिंक है वो आप डायरेक्ट गूगल एड में नहीं रन कर सकते, राइट? ये डायरेक्ट पॉसिबल नहीं, आपको अमेजोन में अगर प्रमोट करना है तो अमेजोन का आपको इनका इंटरनल पेड कैंपेन होता है, वहाँ पर प्रमोट कर सकते हो। आप अदर प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट लिंक प्रमोट नहीं कर सकते, खास करके गूगल एड्स में। यू कैन डू इट ऑन द ट्विटर, ट्विटर में पॉसिबल है, अदर सोशल फेसबुक में पॉसिबल है, लेकिन गूगल में नहीं होगा, और वो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म प्रमोट होगा, क्योंकि आपका जो लिंक आएगा इट वुड बी टोटली ऑन द प्लेटफॉर्म बेस। सो हमारा एजेंडा जो है आज का वीडियो का रहने वाला है कि सेलिंग स्मार्ट इज गुड फॉर यू, राइट? यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट इन दिस सेलिंग, यू नीड टू रजिस्टर्ड ऑन द ई कॉमर्स वेबसाइट एज वेल, राइट? शुरुआत में आपको ई कॉमर्स वेबसाइट ही बेस्ट रहेगा, वाई? क्योंकि वो आपको क्विक सेल दिला सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट में से आपको करना ये होगा कि खुद की वेबसाइट में आ पाए लोग, आपकी खुद की वेबसाइट से लोग ले पाए, ये कोशिश करनी होगी जो मैं आपको आगे समझाऊंगा इस वीडियो में। यू नीड टू क्रिएट दी स्टोर ऑनलाइन, राइट? हमारे स्टोर ऑनलाइन बनाएंगे,
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को बेहतर करना पड़ेगा, बेटर प्राइसिंग पॉलिसी करना पड़ेगा। ऑटोमेटेड ईमेल्स का काफ़ी अच्छा जमाना चल रहा है, अपना कंटेंट जो है एकदम यूनिक होना चाहिए। मेक योर सोशल मीडिया पेज एफिशिएंट, देन फेसबुक बिजनेस पेज होगा, लाइव सेशन से कैसे अच्छा सेल कर सकते हैं, लिंक्डइन बिजनेस पेज के बारे में राइट चर्चा करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेंस में खास करके UPI भीम इज वेरी पॉपुलर, गेनिंग ग्राउंड दिस डेज। देन सब्सक्रिप्शन ऑफर, राइट, वी कैन डू इट। रन द एड्स ऑन द सोशल मीडिया पेज, एक्टिव रीच ऑफ द कस्टमर्स, कैश ऑन डिलीवरी मेथड्स। फिर हम देखेंगे रिड्यूस, हाउ टू रिड्यूस द डिलीवरी कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट विद द कुरियर कंपनीज, फिर शिपिंग के बारे में चर्चा होगी। देन वी विल डिस्कस अबाउट द इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन, राइट, फीडबैक फॉर्म्स, कस्टमर सर्विस को कैसे कर सकते हैं, सस्पेंशन ऑफ थर्ड पार्टी शिपिंग, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड कंक्लूजन। तो ये आज की हमारी वीडियो का एजेंडा है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, सेलिंग स्मार्ट इज गुड फॉर यू, राइट। सो सबसे पहले आप देखिए कि कौन सी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहोगे। खास करके ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आपको प्रोडक्ट ऐसी चूज करनी चाहिए, इजीली सब लोग सेल ना करते हो, राइट, इट शुड बी वेरी यूनिक। सो प्रोडक्ट जो है इसमें यूनिक कैसे सर्च करनी है, इसके लिए आपको करना ही होगा, आप फॉरेन बेस्ड के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देखिए, जैसे amazon.com, वहाँ पर आप देखिए के प्लेटफॉर्म्स आप सर्व कीजिए, नॉट ओनली द इंडियन प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग कैटेगरीज में आप टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए कि कौन सा प्रोडक्ट्स में अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट है जो आप आगे मार्केटिंग कर सकते हो या कस्टमर की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, राइट। सो यू लुक आफ्टर दैट। देन प्रोडक्ट्स सिलेक्शन के बाद यू नीड टू रजिस्टर्ड ऑन द ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट। नाउ यू नीड टू रजिस्टर द ई कॉमर्स वेबसाइट, उसके लिए मेनली आपका GST का खास ज़रूरत पड़ेगा, GST वुड बी रिक्वायर्ड मेनली कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ, बैंकिंग डिटेल्स, सो आप ई कॉमर्स वेबसाइट में रजिस्टर कर पाओगे। अब जब आपको ई कॉमर्स वेबसाइट से सेल मिलना शुरू होता है, राइट, आप बहुत अपने सोशल मीडिया पे या वगैरह आपकी ई कॉमर्स लिंक शेयर करते हो, यू स्टार्ट गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ सेल्स, राइट। तो खास करके जो आपका शिपमेंट जाता हो उसमें आपकी वेबसाइट का विजिटिंग कार्ड दे दो और खास करके उनको रिव्यू फीडबैक के लिए बता दो कि आप Amazon या Flipkart जहाँ से प्रोडक्ट लिया है वहाँ पर रिव्यू दे दे, या Google मैप में भी रिव्यू दे दे, राइट। सो इससे क्या होगा, आपके रिव्यूज़ बढ़ेंगे तो आपका चांसेस है कि लिस्टिंग में और भी आप आगे आओ और आपको बेनिफिट मिल जाए। और अगर वो अपनी वेबसाइट से मैं आके प्रोडक्ट्स को बाय करने लगे, राइट, देन इट वुड बी वेरी वेरी गुड। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि अपनी वेबसाइट पे वो कैसे भरोसा करेंगे, तो आगे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे भरोसा दिलाना है कि अपनी वेबसाइट से भी वो बाय कर सकते हैं। और देर आर सेवरल, राइट, कि जो अपनी वेबसाइट बनाए हैं और कोई वेबसाइट में नहीं है और प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। थर्ड, ट्राई टू सेल विदाउट ई कॉमर्स वेबसाइट, अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, राइट, उसमें आप प्रोडक्ट्स रख दीजिए और यू ट्राई टू सेल इट, राइट। आज के टाइम में मैं ऐसा मानता हूँ कि सोशल मीडिया में भी बिना वेबसाइट रखे, केवल सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स रख के लोग सेल कर रहे हैं, राइट। जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने, राइट, मास्क जो है वो मंगाया था फ्रॉम दी इंस्टाग्राम वेबसाइट, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स मास्क सेल कर रहे थे अलग अलग डिज़ाइन के, उनकी ना तो कोई वेबसाइट थी ना कुछ था, राइट, केवल कॉन्टैक्ट नंबर था और केवल फोटोग्राफ्स अच्छे इंस्टाग्राम में लगाए थे और मास्क उन्होंने धड़ाधड़ सेल किए थे, राइट। तो विदाउट ऑल्सो ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सकता है। अब इसको और कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से बनाना ये हम आगे समझेंगे। वी नीड टू क्रिएट द ऑनलाइन स्टोर, राइट। तो जैसे आपने देखा कि वी कैन क्रिएट द कैटलॉग ऑन द फेसबुक, हमारे पुराने वीडियोस में मैंने आपको बताया गया था, राइट। यू कैन क्रिएट योर इफेक्टिव ऑनलाइन स्टोर्स ऑन द डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट, ऑल्सो इन टू योर वेबसाइट, राइट, को आपको फिजिकल दुकान की ज़रूरत नहीं है, राइट, इस टाइम में। देन यू कैन क्रिएट द यूनिक कंटेंट, राइट। कंटेंट के लिए यू प्लेजरिज्म चेकर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जो भी कंटेंट आप यूज़ कर रहे हो, राइट, वो प्लेजरिज्म चेकर में आप एक बार चेक कर लो कि कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं है, ट्राई टू राइट द कंटेंट बाय योर ओन। मैं आपको छोटी सी टिप देता हूँ, अगर आपको यूनिक कंटेंट बनाना है और आपको राइटिंग में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, तो वॉट यू कैन डू कि आप देखिए बेस्ट कंटेंट कहाँ कहाँ से अवेलेबल है, वो कॉपी करके
आप गूगल में, गूगल ट्रांसलेटर में पेस्ट कीजिए. राइट नाउ इन द गूगल ट्रांसलेटर यू ट्रांसलेट दोज इंग्लिश इनटू स्पेनिश. ठीक है, इंग्लिश से स्पेनिश में कर दो तो स्पेनिश कंटेंट आपको मिल जाएगा. अब स्पेनिश को कॉपी करके आप उसको स्पेनिश टू फ्रेंच में डाल दो. राइट, तो स्पेनिश कंटेंट वुड बी ट्रांसलेटेड टू द फ्रेंच कंटेंट. फिर फ्रेंच का जो कंटेंट है उसको ट्रांसलेट बैक टू इंग्लिश कर दो. राइट, जब आप फ्रेंच कंटेंट को ट्रांसलेट बैक टू इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश का कंटेंट एकदम अलग होगा. राइट, और वो कंटेंट आप प्लेजरिज्म चेकर में चेक करिए कि कहीं पर भी ये डुप्लीकेसी का नहीं क्रिएट हो रहा. राइट, अगर उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़े कर दीजिए, लेकिन कंटेंट यूनिक होना ज़रूरी है. क्योंकि ये खास करके जब गूगल लिस्टिंग में आता है तो कॉपी पेस्ट जो किया होता है ना जो लोगों ने, उसका वेबसाइट उनका प्रोफाइल पीछे आता है. जो कंटेंट यूनिक है, यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ द कॉपी राइटर, कंटेंट क्रिएटर. जो कंटेंट अच्छा लिखते हैं उसका भी बेनिफिट मिलता ही है आपको. 6. ऑटोमेटेड ईमेल. यू कैन यूज द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सर्विसेज ऑफ द मेल वेबसाइट लाइक MailChimp, जहाँ पर आप सब्सक्रिप्शंस क्रिएट कर रहे हो अपनी वेबसाइट में. लोग अपनी वेबसाइट में आ रहे हैं, अपना ईमेल दे रहे हैं. राइट, और आप जो है उनको मास में मेल सेंड कर सकते हो. सो यू कैन सेंड देम अ मास मेल, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड कंसेप्ट. प्राइसिंग एंड पॉलिसी यू कैन चूज. देखिए इसमें होता क्या है, बड़े प्लेटफॉर्म्स में जब आप सेल करते हो तो जो कम प्राइस रखता है, राइट, उसको प्रेफरेंस मिलता है सेल करने का टॉप में. राइट, क्योंकि लोग सस्ता देख के लेते हैं. अब इसमें होता क्या है, जैसे कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपये है, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट ली और मैंने उसमें 120 रुपये में रखी. अब मेरा कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है, वो 100 रुपये की चीज़ को 80 में रख रहा है. जस्ट क्यों? क्योंकि उसको अच्छे रिव्यू मिले, उसको अच्छा मार्केट मिल जाए, तो वो लॉस में बिजनेस करना चाह रहा है. आई हैव सीन सच अ पीपल लाइक दैट. तो 80 रुपये की जब प्राइस रखेगा तो उसको बिजनेस मिलेगा, लेकिन उसका 20 रुपये का लॉस हुआ. वो क्या सोचेगा कि ये मेरा 20 रुपये का लॉस नहीं है, मुझे अच्छे रिव्यू मिल गए, मुझे अच्छे कस्टमर्स ने रेटिंग्स दे दिया, अब मैं जो है मैं 120 रुपये रखूँगा और ज़्यादा प्रॉफिट मुझे मिलेगा. लेकिन ये पॉलिसी आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो नए नए लोग तो आते रहेंगे. राइट, तो जब आप 120 में सेल करने का कोशिश करोगे तो कोई और आ जाएगा जो 80 रुपये में आपकी प्रोडक्ट सेल कर रहा है. राइट, सो देर आर सच सॉर्ट ऑफ पीपल आई हैव सीन इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री कि खुद की कॉस्ट से भी कम कॉस्ट का प्राइसिंग रखते हैं. लेकिन ये ठीक नहीं है. इसलिए आप अपनी एक ब्रांड बनाओ, आप अपनी क्वालिटी बनाओ, आप अपनी वैल्यू क्रिएट करो, अपनी वेबसाइट क्रिएट करो, उसको अच्छा सर्विस दो. राइट, दैट इज मोर देन इम्पॉर्टेंट जस्ट टू रिड्यूस द प्राइस. राइट, ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस नहीं दिलाएगी कि अपने प्राइस कट करके जस्ट मार्केट को में एंटर होने के लिए आप कर रहे हैं. राइट, बट दैट इज द नॉट गुड पॉलिसी विच आर बीइंग फॉलोड बाय सर्टेन पीपल इन दिस इंडस्ट्री. प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो है, राइट, इट ऑल्सो शुड बी वेरी यूनिक एंड वेरी शॉर्ट. ई कॉमर्स में लॉन्ग कंटेंट नहीं होता, आपकी वेबसाइट में लॉन्ग कंटेंट हो सकता है, होना चाहिए. राइट, लेकिन इन द ई कॉमर्स वेबसाइट इट शुड बी वेरी शॉर्ट, वेरी प्रिसाइज, टू द पॉइंट कंटेंट. राइट, सो दैट पीपल कैन रीड इट एंड डेफिनेटली क्लिक ऑन द बाय बटन. मेक योर सोशल मीडिया पेज एफिशिएंट. राइट, आपके पेज में हर जगह बहुत ही हाई क्वालिटी डिज़ाइन इमेज होने चाहिए. राइट, आपका उसमें वेबसाइट होना चाहिए, आपका प्रॉपर लोगो होना चाहिए. राइट, एकदम लगना चाहिए कि ये अच्छी ब्रांड है, बड़ी लेवल की ब्रांड है. यू चेक द सोशल मीडिया पेज ऑफ बिग ब्रांड्स. राइट, अब सोशल जो बिग ब्रांड्स है जिसमें, उसमें तो आपको इतना खर्चा नहीं है. राइट, तो सिमिलर बिग ब्रांड जैसा ही आपका पेज बन सकता है. फेसबुक बिजनेस पेज इज वेरी मच रिक्वायर्ड. राइट, फॉर योर बिजनेस टू सेल योर प्रोडक्ट्स यू कैन क्रिएट दैट. इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था. लाइव सेशन ऑन द फेसबुक. आजकल कोविड के सिचुएशन में आई हैव सीन, राइट, कि बहुत सारे लोग फेसबुक में लाइव आ रहे हैं. अब जैसे किसी का दुकान है, कोविड की सिचुएशन के कारण खुल नहीं पा रहे, या खुल रहे हैं तो वहाँ पर कस्टमर नहीं आ रहे ज़्यादा, तो क्या कर रहे हैं, दिन में 1 घंटा या आधा घंटा फेसबुक लाइव करते हैं. भले अपने पर्सनल अकाउंट से करें, फेसबुक लाइव करते हैं और बोलते हैं कि देखिए ये मूर्ति है, ये 50 रुपये की है. राइट, ये इमिटेशन ज्वेलरी आपको 80 रुपये की मिलेगी, आप ले लीजिए. अगर आप लेना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, हमको कॉल कीजिए. राइट, इस तरीके का एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जैसे होता है ना कि लाइव डेमो. राइट, तो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, आधा घंटा कल 1 आवर. राइट, वो लाइव सेशन में करते हो तो आप भी अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर लाइव आ सकते हो. राइट, एंड यू जस्ट डिस्क्राइब अबाउट द प्रोडक्ट इन डिटेल.
राइट, डोंट जस्ट ट्राई टू सेल, बट यू डिस्क्राइब अबाउट द प्रोडक्ट, हाउ दैट प्रोडक्ट कुड बी यूजफुल फॉर देम, हाउ दैट प्रोडक्ट इज गुड, राइट। तो अब अपना लाइव सेशन भी आपका यूजफुल होगा फेसबुक में, और वहाँ से भी आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। लिंक्डइन बिजनेस पेज ऑलवेज यूजफुल है, राइट। आपका वहाँ पर आप अपने बिजनेस के रिलेटेड पोस्ट कंटेंट डालोगे तो वहाँ से आपको जो है काफ़ी नेटवर्क मिलता ही है। देखिए, कस्टमर तक पहुँचने के लिए आपको एवरी ऑनलाइन वेज में फोकस करना चाहिए, राइट। आइदर इट कुड बी ए सोशल मीडिया, आइदर इट कुड बी ए कॉल, आइदर इट कुड बी ए चैट, राइट। आप चैट भी बोट रख सकते हैं, वेबसाइट में चैट रख सकते हैं टूल, सो दैट ऑल्सो कुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू। Running the ads of, on the social media, advertisement is going to play a big role, right? और मैं ये देख पा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंस रहने वाला है सोशल मीडिया के बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया ने आपको अभी तक सारा फ्री दिया है, राइट, लेकिन उनका रेवेन्यू एड में से ही आ रहा है। तो सोशल मीडिया डेफिनेटली इज गोइंग टू ट्राई देयर बेस्ट, राइट, टू मेक दिस प्लेटफॉर्म, और एडवर्टीजमेंट के बारे में काफ़ी जोर दिया जाएगा, और एडवर्टीजमेंट में इतना क्रिएशन इनोवेशन आने वाला है आने वाले समय में, अभी भी इतना हो ही रहा है, सो इट्स गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये सारा एड कम हो रहा है, पेपर एड कम हो रहा है, टीवी एड कम हो रहा है, राइट, लेकिन सोशल मीडिया एड इज़ गोइंग टू ग्रो, बिकॉज यहाँ पर आपको टारगेट बेस्ड एड्स का मौका मिलता है, राइट। यू कैन डू द नीच मार्केटिंग विद दैट, सो ये बहुत ही बड़ा, सो इसको सीखने लगी आज से ही, राइट। इसमें देरी मत करिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने एडवर्टीजमेंट खुद नहीं सीखा ना, तो आपको सोशल मीडिया कंसल्टेंट आपसे इतना पैसा लेंगे, राइट, और आपको ये करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होगा तो आपके लिस्टिंग में कहीं दिखोगे नहीं, राइट, और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खुद सीखने लगो, राइट, और आपको सेल्स मिलता है इससे, आपको डेफिनेटली आप राइट कस्टमर तक पहुंच पाओगे, एंड इट वुड बी वेरी गुड। तो एटलीस्ट स्टार्ट लर्निंग, भले आप यूज़ ना करो, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट लर्निंग, यह कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में ज़रूर काम आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन ऑफर भी आज बढ़ने लगा है। इफ़ यू चेक दी अमेजोन वेबसाइट, यू विल बी फाइंडिंग टू ऑप्शंस, एक प्राइस पॉलिसी वन टाइम परचेस करने के लिए, एक प्राइस पॉलिसी जो है वो आपको सब्सक्रिप्शन ऑफर के लिए है। तो मैं कुछ चेक कर रहा था प्रोडक्ट्स, तो इन दैट आई हैव चेक्ड इन सम सॉर्ट ऑफ मोरिंगा प्रोडक्ट्स, कि वहाँ पर सब्सक्रिप्शन ऑफर भी थे, सब्सक्रिप्शन में प्राइस कम थे। अगर मैं महीने में लेता हूँ तो प्राइस कम है, अगर मैं एक बार लेता हूँ तो प्राइस ज़्यादा है। तो सब्सक्रिप्शन से बेनिफिट क्या है कि आपका कायम का कस्टमर हो गया ना, उसके हर महीने उसके डेबिट क्रेडिट कार्ड से पैसे कट हो जाएंगे और आपको उसको शिपमेंट करना है, तो ये ग्राहक आपका परमानेंट हो गया, राइट। तो ये बहुत बड़ा मॉडल आया है सब्सक्रिप्शन मॉडल, ये सारे अभी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में आ गया है, मेजर ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में, आप खुद के प्लेटफॉर्म भी दे सकते हो, बट दैट मॉडल इज ऑल्सो वेरी गुड। फिर ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेंस, खास करके आजकल के ज़माने में मैं देख रहा हूँ कि लोग वॉलेट यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो भी प्राइवेट कंपनी के। लेकिन दोस्तों, मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आप गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज़्यादा जोर दें, जैसे UPI, भीम ऐप है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, पोर्टेबिलिटी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट, ये वॉलेट्स का, क्योंकि इतना एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, लेकिन ये कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर पा रहे ये लोग। पता नहीं आने वाले में समय में, मैं शायद पॉजिटिव होप, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले समय में ये लोग प्रॉफिट ज़्यादा करें, लेकिन नोटबंदी के समय में, राइट, ऐसे समय में तो आपको प्रॉफिट करना चाहिए था, लेकिन इतना करोड़ों का लॉस हो रहा है, और मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया था, राइट, कि फिर ऐसा ना हो कि आपके वॉलेट के पैसे चला जाए, राइट। कुछ ऐप्स को मैंने अभी देखा है कि गूगल प्ले स्टोर में से भी निकाला जा रहा है, क्योंकि उसमें गैम्बलिंग हो रहा है, राइट, और स्थिति ठीक नहीं लग रही है मुझे, राइट। फिर ऐसा ना हो कि आपके वॉलेट के पैसे या कुछ में उसमें इश्यू आ जाए, का मेरा एक वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा, बात आपको थोड़ी समझ में आएगी। लेकिन ट्राई टू यूज़ दी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स, इसको मैं रिकमेंड थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। अगर दूसरे प्लेटफॉर्म भी बुरे नहीं है, मैं किसी को बुरा नहीं करता, आई ऑल्सो यूज़ दोस प्लेटफॉर्म, राइट, लाइक पेटीएम, बट द गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म सीम्स टू बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी एज पर माई ओपिनियन। फिर कैश ऑन डिलीवरी मेथड जो है वो एक बेहतर विकल्प होता है। एक्चुअली क्या है कि जो है, जो आपको अपनी खुद की वेबसाइट से, मेन थिंग जो है, जो कस्टमर को आपकी खुद की वेबसाइट में आने के लिए रोकती है, वो है सिक्योरिटी ऑफ मनी, कि इसमें डेबिट कार्ड डिटेल डाल लूँगा, क्या भरोसा, राइट, बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर तो भरोसा है, वो नहीं भागेगा, वो सिक्योर्ड है, राइट, इतने पुराने अच्छे प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये नया वेबसाइट बनाया है भैया ने,
इसमें क्या मैं अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड डालूंगा तो मुझे क्या अपना सिक्योरिटी रहेगा, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न लोगों को रहेगा, राइट। इसलिए आप शुरुआत में ऐसे कर सकते हो कि यू कैन यूज दी कैश ऑन डिलीवरी मॉडल, राइट। आजकल बड़ी कुरियर कंपनी भी कैश ऑन डिलीवरी मॉडल को एक्सेप्ट करती है। आप उसके साथ आपके कुछ रेगुलर ऑर्डर्स हैं, आप बात कर सकते हो कुरियर कंपनी से कि आप कैश ऑन डिलीवरी मॉडल को रखना चाहोगे, तो आपको समझा देंगे कि ये पॉलिसी है, ऐसा ऐसा प्राइसिंग है, इतना इतना आपको करना पड़ेगा, तो कैश ऑन डिलीवरी आपका हो जाएगा। तो कुरियर कंपनी के लोग ही राइट जाएंगे, कैश कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको गुड्स देंगे, वरना नहीं देंगे। तो आपके लिए सिक्योरिटी हो गया, और कस्टमर जो बाई कर रहा है उसके लिए भी सिक्योरिटी हो गया, राइट। ऐसा गवर्नमेंट का भी आता है, आप अगर इंडिया पोस्ट में आप उनको पूछोगे तो इंडिया पोस्ट में भी है, वो VPP मॉडल है, राइट। सो वैल्यू पेएबल बाई पोस्ट, उसके बारे में भी आप सर्च कर सकते हो, राइट। ये इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में है, तो ये आप अगर चूज़ करते हो देन कस्टमर को एक विश्वास आएगा कि नहीं, मुझे प्रोडक्ट मिल जाने के बाद ही पैसा देना है, और आपको भी सिक्योरिटी है, तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हो। देन यू कैन रिड्यूस द डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आपको प्राइवेट कंपनी कुरियर की जगह गवर्नमेंट का यूज़ इम्फोसाइज करना होगा। आप जो है इंडिया पोस्ट की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, राइट, जिससे आपका डिलीवरी कॉस्ट कम आए और आपका सेल्स जो है बढ़ पाए। और ये फॉरेन कंट्री में भी है, राइट। हमने एनालाइज कराया था कि प्राइवेट कुरियर कंपनी को हमने पूछा तो दे वर वेरी एक्सपेंसिव, राइट, जैसे DTDC और उससे भी ज़्यादा DHL FedEx, नो डाउट DHL FedEx का एक नाम है, बहुत अच्छा सर्विस है, लेकिन वही कंसाइनमेंट हमको स्पाइसेस भेजना था फिलीपींस में, राइट। तो जब हमने दूसरे कंपनीज को पूछा, देवर चार्जिंग अराउंड 5,000 rupees फॉर अ किलो, राइट, 2,000 rupees फॉर अ किलो, 3,000 rupees फॉर अ किलो, किसी ने 500-700 कहा, लेकिन वही चीज़ हमने इंडिया पोस्ट में कहा तो इंडिया पोस्ट ने फिलीपींस के लिए 200-275 में पर किलो कर दिया, राइट। तो बहुत अच्छा रहा, हाउएवर हमारा प्रोडक्ट वहाँ पर 8-10 दिन में पहुँचा, दूसरी जो है वो आपको 3-4 दिन में पहुंचा दे, लेकिन आप देखिए यू सी द ड्रास्टिक चेंज कि कहाँ पर 5,000 और कहाँ पर 250, राइट, इतना कॉस्ट का वेरिएशन। तो ये जो है आपको इसके बारे में सर्च करना चाहिए, इसके बारे में आपको रिसर्च करना चाहिए, तो आपको इसके बारे में आंसर्स मिलेंगे। कॉन्टेक्ट विद द कुरियर कंपनीज ऑब्वियसली। भाई एयर एक्सपोर्ट करने के लिए आप आयाटा मोड भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन आयाटा से शिपमेंट अगर आप कराओगे तो तकरीबन पर किलो का 5,500 रुपये आ सकता है बाई एयर नियर कंट्रीज़ के लिए, लेकिन उसमें बल्क में शिपमेंट करना पड़ेगा, वरना आपका शिपिंग बिल का कॉस्ट, एयरवे बिल का कॉस्ट और एजेंसी फी ही बहुत हाई हो जाएगा, तो ये 5-10-20 किलो के लिए वायबल नहीं रहता। सो छोटे शिपमेंट के लिए ऑब्वियसली कुरियर मोड ही सबसे बेटर है, राइटली इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल इन योर कॉन्टेक्ट। प्रोडक्ट शिपिंग के बारे में नो डाउट देर आर द थर्ड पार्टी शिपिंग ऑप्शन, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त शिपिंग आप ही करो, जैसे बड़े प्लेटफॉर्म हैज़ गॉट द डिफरेंट शिपिंग ऑप्शंस, राइट, तो वहाँ पर भी आप चूज़ कर सकते हो और शिपिंग से आप टेंशन मुक्त रह सकते हो। लेकिन हमेशा डर रहता है कि सस्पेंशन ऑफ थर्ड पार्टी शिपिंग हो जाए, जैसे कोविड आ गया, कोरोना आ गया, बड़ी मेजर वेबसाइट ने क्या कर दिया, सिर्फ एसेंशियल प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे, तो आपकी प्रोडक्ट उन्होंने अगर नॉन एसेंशियल में डाल दी तो आपका तो काम ठप, राइट, लॉकडाउन जैसी स्थिति में। तो इसलिए आपको क्राइसिस से ऐसे बचने के लिए हमेशा एक प्लेटफॉर्म अपना रखना चाहिए जहाँ पर आपके चीज़ें आपके कंट्रोल में हो। चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होगी, दिक्कत आएगी। 24/7 कस्टमर सर्विस शुड बी देयर, राइट, व्हेन इट इज़ देयर, आप अपना कस्टमर केयर फ़ोन नंबर डाल दीजिए, चैट डाल दीजिए, अगर आप उसको रेगुलर सर्विस देते हो, आप उसको फटाफट रिप्लाई देते हो जो, तो उनको तुरंत अच्छा लगेगा कि नो यू आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स, राइट, और फिर वो आपसे प्रोडक्ट ज़रूर छोटा बाय करना चाहेंगे। फीडबैक फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट अबाउट द फीडबैक यू आस्क देम टू गिव इट इन टू द गूगल, अमेजोन एंड अदर वेबसाइट्स, नो, आप एक इंटरनल गूगल फॉर्म बनाइए और उसमें आप एक उनको बोलिए कि आप मुझे डिटेल में फीडबैक दीजिए, राइट, हर चीज़ के बारे में कि लॉजिस्टिक सर्विस कैसे लगी, कुरियर वालों का व्यवहार कैसे लगा, जैसे आपको प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो तो आपको कैसा पैकेजिंग लगा उसका, राइट, आपको प्राइसिंग ठीक लगा या नहीं, आप सेटिस्फाइड हो या नहीं, आप डिटेल प्रश्न डालिए, राइट, उसके MCQ ऑप्शन आप उसमें दीजिए, लेट योर कस्टमर फीड द फीडबैक फॉर्म या लिंक, राइट, तो इसे क्या है कि आपको आइडिया आएगा कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है, कैसा आप इंप्रूव खुद को कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
देन कॉम्पिटिशन बहुत इंक्रीज हो रही है, डे बाई डे कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रही है, इसलिए क्या है आपको खुद की आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, खुद का ब्रांड बनाना पड़ेगा, खुद का लोगो बनाना पड़ेगा, खुद का वेबसाइट बनाना पड़ेगा, खुद के वेबसाइट में से सेल करना पड़ेगा, खुद के सोशल मीडिया से सेल करना पड़ेगा। ये जब आप करना सीख गए तो आपको कॉम्पिटिशन लॉन्ग टर्म में नहीं नड़ेगा। हाउएवर कॉम्पिटिशन आएगा, लेकिन आप उसमें अलग मुख रहते रहोगे, आपका काम चलता रहेगा, आप किसी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इज देयर व्हेन यू आर गोइंग टू सेल बियॉन्ड द बाउंड्रीज, राइट। केवल इंडिया में रह गए तो नहीं होगा, आपको ग्लोबली हर जगह कोने कोने पे एक्सपोर्ट करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा, राइट। तो जब आपका खुद का वेबसाइट है और दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स है, राइट, आपको ओवरसीज में कैसे प्रोडक्ट सेल करना है, वहाँ पर आपको बेटर प्राइसिंग मिल सकता है, वहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल पाएगा, वहाँ पर आपको एक बढ़िया से आप शॉर्ट टाइम में अच्छे खासे ग्रो कर पाओगे। दो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर देयर व्हेन यू ट्राई टू सेल योर प्रोडक्ट्स अब्रॉड। सो फाइनली कंक्लूजन, राइट, मैं इतना जस्ट कहूँगा कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। आप सीख के कुछ नहीं कर सकते हो, आप करके ही सीख सकते हो। आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करो, खुद जानो, खुद सीखो, इसमें इंप्रूव करो, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट, राइट। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ आप वीडियो देखते रहे, नहीं, आपको चीज़ों को अप्लाई करना है, स्टार्ट करना है और अपने बिजनेस को आगे ले जाना है और देश को आगे ले जाना है। फाइन, सो दिस इज किशन बाराय एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।